शिवसेना। आज सारे लोग सारे एक हो गए हैं, जितने गीदड़ है ना सब एक हो गए हैं। किसान 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 किसान, तुम कहाँ थे भैया जब संसद चल रहा था? संसद में कितना बहस किए, संसद में कितना चर्चा किए? इतने ज़्यादा तुम हो आज जो मिल रहे हो, संसद में हंगामा कर दिए होते तो बिल पास होता, संसद में चाह दिए होते, पूरा विपक्ष चाह दिया होता, आज भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है भाजपा का। ये जवाब नहीं देंगे भाई साहब, अगर ये सवाल कर दीजिए इन सारे विपक्षी पार्टियों से कि संसद में एक होकर तुमने इस बिल का विरोध किए होते तो संसद में पास हो जाता। वो अड़हतिया आए हैं, अड़हतियों का आंदोलन चल रहा है इस दिल्ली में, पंजाब के अड़हतियों का जो लूटे हैं उनका आंदोलन चल रहा है, उस पर तवे पे रोटी सेकने के लिए आए हैं कि कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए कि हमारी राजनीति भी चमक जाए। बाकी कुछ नहीं है भाइयों, ये सिर्फ अड़हतियों का आंदोलन है जो 60 साल से पंजाब को हरियाणा को लूटे हैं, वह लोगों को तनख्वाह देके लाके यहाँ बिठाए हैं, यह दलाल हैं शुद्ध रूप से, इस देश के किसानों से मतलब नहीं है। इनकी औकात सिर्फ देश के 8% किसानों का मामला है, बाकी 93% किसान इस बिल से वास्तव में 2 साल में वो उसकी आय दूनी होने वाली है। कौन सा सुरखाप के पर लगे हुए हैं कि चाइना कहाँ से दूसरे नंबर की आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है, दुनिया के दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन गई, उसके पहले सिर्फ 20-25 साल पहले हम उससे अच्छे थे। बुद्धि की कमी है कि विवेक की कमी है कि ताकत की कमी है, किस चीज़ की कमी थी? सिर्फ इन नेताओं के लूट की कमी थी, सिर्फ भ्रष्टाचार की कमी थी। 18 घंटा कोई काम करने वाला नहीं था, कोई वो ऊर्जा नहीं थी इनके अंदर, ये सब बस सिर्फ लूटना और लोगों को जाति में बांट के डमरू बजाते थे यहाँ से, वो 500 लोग संसद में बैठ के और जाके और बांट देते थे, और हम लोग आपस में लड़ के और मतदान करते थे और ये लोग चले आते थे, और वहाँ हम लोग कोई बीमा कोई मर रहा है खाए बगैर, जिस तरह से 3 लाख किसान मर गए है ना, कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये देश की समस्याओं को उसी तरह से उलझा के मूर्ख बना के अपनी रोटी, जैसे आज आंदोलन में सब लोग आए हैं ना, देख रहे हैं किसान, वो अड़हतिया आए हैं, अड़हतियों का आंदोलन चल रहा है इस दिल्ली में, पंजाब के अड़हतियों का जो लूटे हैं उनका आंदोलन चल रहा है, उस पर तवे पे रोटी सेकने के लिए आए हैं कि कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए कि हमारी राजनीति भी चमक जाए। बाकी कुछ नहीं है भाइयों, ये सिर्फ अड़हतियों का आंदोलन है जो 60 साल से पंजाब को हरियाणा को लूटे हैं, वह लोगों को तनख्वाह देके लाके यहाँ बिठाए हैं, यह दलाल हैं शुद्ध रूप से, इस देश के किसानों से मतलब नहीं है। इनकी औकात सिर्फ देश के 8% किसानों का मामला है, बाकी 93% किसान इस बिल से वास्तव में 2 साल में वो उसकी आय दूनी होने वाली है, इसीलिए यह लड़ाई चल रही है। अरे आज सपा बसपा, अरे वो देखिए मुंह टेढ़ा जिसके मुंह में कैंसर हो गया और उसकी चिट्ठी निकली थी शरद पवार, शिवसेना। आज सारे लोग सारे एक हो गए हैं, जितने गीदड़ है ना सब एक हो गए हैं। किसान 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 किसान, तुम कहाँ थे भैया जब संसद चल रहा था? संसद में कितना बहस किए, संसद में कितना चर्चा किए? इतने ज़्यादा तुम हो आज जो मिल रहे हो, संसद में हंगामा कर दिए होते तो बिल पास होता, संसद में चाह दिए होते, पूरा विपक्ष चाह दिया होता, आज भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है भाजपा का। ये जवाब नहीं देंगे भाई साहब, अगर ये सवाल कर दीजिए इन सारे विपक्षी पार्टियों से कि संसद में एक होकर तुमने इस बिल का विरोध किए होते तो संसद में पास हो जाता, क्या भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत है? नहीं है ना, लेकिन तुमने पास करवाया, आज वहाँ से भेज के खालिस्तान, अब क्या कहूँ, नहीं कहना चाहिए देश विरोधी बात, किसी बुरा लगता है, मैं भी नहीं चाहता हूं कहना, लेकिन जी न्यूज़ ने दिखाया था कि वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं, किस तरह के पोस्टर हैं, रेलवे स्टेशन से लेके पंजाब से जब ये लोग चले हैं तो भिंडरवाला से लेके क्या क्या हुआ है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सारा ये विपक्षियों का। और एक चीज़ और बता दूँ, हमको तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि चीन 1962 के युद्ध में चीन जनवरी में लड़ा था, जनवरी में कहीं ना कहीं जनवरी में फिर चीन आक्रमण करने वाला हो, ये भी हो सकता है चीन जनवरी में आक्रमण करेगा, इसके लिए सारे विपक्षी फील्डिंग फैला रहे हैं
कि मोदी को किसी तरह से हराने के लिए चीन आक्रमण करेगा, हम देश में आंतरिक सुरक्षा को फेल किए रहेंगे, ये हार जाएगा, देश में बदनाम हो जाएगा, फिर हमारी सत्ता आ जाएगी, यह भी हो सकता है। चीन के पास पैसे की कमी तो है नहीं, हो सकता है मोटा माल आया हो। चीन ISI अब 5 पकड़े गए हैं आतंकवादी भाई साहब, यहाँ परसों के न्यूज़ सुने हैं ना, खालिस्तानी और ISI, तो यह भी फील्डिंग हो सकती है कि केजरीवाल को पैसा नहीं आता चुनाव में पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला था पुलवामा में, देखे नहीं थे सबूत, सब 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 हाँ सबूत मांग रहा था, ये सब समझ लीजिए इसका क्या रीजन है, यह भी हो सकता है। अरे जो अन्ना का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या होगा, ये जानते हैं क्या है, ये कालनेमी है, कालनेमी। जब हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण का बूटी लाने, तो कालनेमी साधु का भेष बना के बैठा हुआ था और क्या जप रहा था, राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। तो ये कालनेमी है भाई साहब, ये ड्रामा नौटंकी, जहाँ शादी में गया था, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ये शादी में गया था, और यहाँ क्या किया था, सारे अपने मंत्रियों को लगा दिया था हमारे बंगले पे जाओ और कहो कि हाउ तो यार अपने शादी में बैठ के इंजॉय कर रहा है, वहाँ पूड़ी भात और ये रसगुल्ले का चाँप रहा है और दिल्ली को बंधक बना दिया है। ये कल गया था देखने कि वहाँ वहाँ हलवा पूड़ी खिला रहा है। एक बात बताइए, दुख के इस बात का है कि ये मैंने इतना बड़ा दुष्ट जिन्होंने वोट दिया उन्हीं के पेट पे लात मार रहे हो। अगर ये आंदोलनकारी दूध सब्जी फल सारे चारों तरफ से दिल्ली को चौक किए हुए हैं, किसका नुकसान हो रहा है, दिल्ली के मतदाताओं का ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, एक बार जाके हाथ जोड़ के कहते भैया एक जगह कहीं बैठ जाइए, जनता को नौकरी जाना है, नौकरी पेशा के लोग हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, होता है ना, जाके वहाँ लाइन देखिए जो लोग घूम के आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी यह दिल्ली के जनता से कहा कि मैं अपने तरफ से जा रहा हूँ आंदोलन के लिए, एक जगह दे रहा हूँ और आंदोलन भी चलता रहे और दिल्ली की जनता को नुकसान भी ना हो। लेकिन क्या जेल में डाल रखा है दिल्ली की जनता को, बंधक बनवा दिया है, ये बुलाया है, ये तीनों मिलकर ड्रामा रचे हैं भाई साहब, ये कांग्रेस केजरीवाल और अकाली, ये तीनों मिले हुए हैं दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, जेल बना के रखे हैं। कह रहा था कि उन आंदोलनकारियों को इसलिए मैं वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, स्टेडियम नहीं दिया कि वो जेल होगा, तो उनको जेल नहीं कराए तो दिल्ली को तो जेल करवा दिए, दिल्ली के लोगों को जेल करवा दिए, ये शादी में गया हुआ था और ये अपने, अरे भाई साहब इतना बड़ा ड्रामेबाज, अरे 100 गिरगिट मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ होगा, इतना रंग बदलने वाला। अरे जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना का नहीं हुआ, कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, उसके बाद से पार्टी बना लिया, अरे हमको तो इसीलिए मैं दिल्ली से हमको बहुत चिढ़ है, हमारा मुख्यमंत्री है, कहता भी है कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मेरे ऊपर तुमने कैसे रेड डलवा दिया, जो मोदी जी रेड पड़ा था इसके ऊपर जांच का, कहा मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तुम कैसे मेरे ऊपर, भैया मालिक हो ठीक ना, तो रेड क्यों नहीं पड़ेगा, तुम कब का जनता से ऊपर थोड़े हो। अरे वो देखो प्रधानमंत्री, वो कहता है सेवक हूँ, वो प्रधानमंत्री जी, तो ये गिरगिट है, शादी में गया था और आज के और ये सारे इसके मंत्री ही जब चुनाव से पहले इसके वो सौरभ भारद्वाज को लगा दिया था EBM पे बोलना, EBM पे बोलना, जब हार जाएंगे तो यह होगा कि EBM खराब है, EBM खराब है, जब जीत गया तो EBM ठीक है। ये इतने बड़े ड्रामेबाज, उधर पप्पू यादव बिहार में, एक और लालू का बेटा आज बैठा हुआ था गांधी मैदान में, अरे भैया जानते हैं उसका इतिहास क्या है, जब वह नाबालिग था 12 साल का था तब वह करोड़पति हो गया था, कहाँ से लाए थे भैया, जब आप नाबालिग थे तो आप करोड़पति हो गए थे, वही फार्मूला किसानों को बता देते, किसानों को बता दिए होते, आज 3 लाख किसान मर गए। लेकिन सर वही वो तो ये बात कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो इसका मतलब तो ये है 12 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर अपने आप को किसान का बेटा कहना, क्या किसानों का अपमान नहीं है, अपमान क्या घोर अपमान है, इधर लोग मर रहे हैं, यही तो इस देश का रोना है भाई साहब, इसी रोना इसी है कि दिक्कत जनता यही समझती है कि एक तरफ मोदी बैठा है जो अपने परिवार तक को कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री जब थे 15 साल, जब मुख्यमंत्री बन के मोदी जी आप प्रधानमंत्री के रूप में आए तो जानते हैं जो तनख्वाह था अपने परिवार को नहीं दिए, अपने पास नहीं रखे, वहाँ जो लावा मैंने
लावारिस बच्चियां थी अनाथालय में, उनके नाम से अपनी सैलरी ले जाके दे दिए कि इन बच्चों को तुम खिलाओ पिलाओ। इस तरह का आदर्श व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है, उस पर गर्व होना चाहिए। उसके काम पे उंगली उठाते हो, कहते हो अडानी और अंबानी का, उसको लालच होता तो वो ले जाके उन बच्चियों के लिए वो अपना पूरा सैलरी उठा के दे देता। कौन किया है इस तरह का? है कोई पूरे पूरे भारत में किसी तरह का किसी का चरित्र है? कोई बात कर सकता है क्या? इसीलिए कहता हूँ कि वो शेर है या गीदड़ है, आँख से आँख मिला के नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कि ये लूट के बैठे हैं। लालू की हैसियत नहीं जानता हूँ, बिहार में कहाँ, वहीं बगल का रहने वाला हूँ मैं। क्या थे? चप्पल नहीं था हवाई चप्पल पहनने के लिए। उनकी उनका वो देख लीजिए, आज उनका बेटा कई सौ करोड़, कौन बेटा है, कौन बेटा बेटी है जो करोड़पति नहीं है? किसका हैसियत अरबों में नहीं है? आज सबके ऊपर मुकदमा है। बाप तो जेल में है ही, बेटा बेटी जो भी है, बीबी, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, जांच चल रहा है, ईडी सबके ऊपर है। इसलिए क्यों है? इसलिए कि भैया गलत तरीके से धन कमाए हो उसका हिसाब दे दो।